थाना मुंडा पांडे के ग्राम सत्तू नगला में रहने वाले गुलाम नबी पुत्र शमशुद्दीन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र सौंपा। शिकायती पत्र में कहा गया कि स्वयं को भारतीय गोरक्षा वाहिनी का राजकीय उपाध्यक्ष बताने वाले एक युवक के द्वारा गो हत्या के अपराध में झूठा फंसाने की धमकी देकर रंगदारी मांगी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत देने पहुंचे गुलाम नबी ने बताया कि स्वयं को भारतीय गोरक्षा वाहिनी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताने वाले युवक ने गांव के राजनीतिक विरोधियों से मिलकर पंचायत चुनाव में खलल डालने की व रंगदारी वसूलने एवं गो हत्या के अपराध में झूठा फंसाने के उद्देश्य से गुलाम नबी और उसके साथियों के खिलाफ झूठे प्रार्थना पत्र देकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके जिसमें गो तस्करों बताकर क्षेत्र में छवि को धूमिल किया जा रहा है। गुलाम नबी ने शिकायती पत्र के माध्यम से वरिष्ठ अधीक्षक के यहाँ इंसाफ की गुहार लगाई है और मामले की निष्पक्ष जांच करके उचित कार्यवाही कर न्याय करने की मांग की है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सिर खान है। मुदस्सिर जी, एक इस संबंध में आना हुआ है, क्या समस्या है? हम लोग ब्लॉक मुंडा पांडे के रहने वाले हैं और जो मेरे साथी हैं ये ग्राम प्रधान सत्तू नगला आजी गुलाम नबी साहब हैं, खड़गपुर जगतपुर के ग्राम प्रधान खलील अहमद साहब हैं, रामपुर बिला के प्रधान मोहम्मद अली साहब हैं और नरखेड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान एहसान साहब। हम सब प्रधान संगठन के लोग हैं। एक साहब हैं, उनका नाम ठाकुर मनोज कुमार सिंह है, जिनका पीतल नगरी के गेट पर हनुमान मूर्ति के पास कार्यालय है। वे खुद को गोरक्षा वाहिनी का प्रदेश का उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताते हैं और वह आए दिन अपने साथियों के साथ हमारी कई ग्राम पंचायतों में जाते हैं तथा वहां पर जाकर के लोगों को उकसाते और भड़काते हैं, वहां का सांप्रदायिक माहौल खराब करने में लगे हैं और वीडियो बना करके सभी हम प्रधान लोगों को और हमारे साथियों को करीब 40-50 लोगों के नाम लिख करके झूठे प्रार्थना पत्र दे रहे हैं और हम लोगों को खुद बिना किसी साबूत के, बिना किसी तथ्य के हम लोगों को गोकस बता करके समाज में अपमानित कर रहे हैं। जब हम लोग उनसे ये इस बात की शिकायत लेकर के गए कि भाई हमको आप किस आधार पर गोकस या गो हत्यारा कह रहे हैं, तब वह अपने कार्यालय पर उन्होंने हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और वह कहते कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काम करता हूँ, जिले के SSP या DM साहब से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ से सीधी रिपोर्टिंग जो है मेरी मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाती है और आप लोगों के खिलाफ मैं कार्रवाई कराऊंगा। हम लोगों को वो झूठे गोकसी के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, समाज में हम लोगों को अपमानित कर रहे हैं। जब हम लोग बैठ करके बात करते हैं तो 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। प्रधानी का चुनाव है, सब लोग इसलिए भयभीत हैं कि गांव में उनकी छवि खराब की जा रही है और वो जान रहे हैं अच्छी तरह से कि हम लोग उन लोगों को जब बदनाम करेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग मजबूर होकर के उनको दे देंगे। इस संबंध में आज हम SSP महोदय से मिले थे और कप्तान साहब ने हमारा प्रार्थना पत्र लेकर हमको आश्वासन दिया है और SPCC साहब को इसकी जांच दी है, कहा कि अगर ये व्यक्ति इस तरह के कृत्य में लिप्त है तो हम इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेंगे।